कितनी जल्दी हम किसी बातों को भुला देते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम चाह करके भी भुला नहीं सकते। ट्रू इंसिडेंट्स पर बहुत सारी फिल्में आती हैं। कुछ फिल्मों की कहानी हम पहले से जान रहे होते हैं, तो कुछ फिल्मों की कहानी हम फिल्म देखने के बाद जानते हैं कि हाँ, ऐसा भी कभी हुआ होगा या हुआ था। एक इसी तरह की फिल्म नेटफ्लिक्स पर इसी 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है, भक्षक। भूमि पेडनेकर, संजय मिश्रा और आदित्य श्रीवास्तव और भी स्टार कास्ट की लीड रोल में। कमाल की फिल्म और ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड स्टोरी बिहार के भागलपुर की है, एक फीमेल ऑर्फेनेज की कहानी जहां पे रहने वाली लड़कियों का शोषण एक बड़े पॉलिटिशियन करते हैं। तो अच्छी फिल्म होने वाली है, ये फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए, इसी 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है। अब आते हैं, एक फिल्म और आ रही है, 1 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज होगी, गोधरा। अब ये शब्द सुनकर के बहुत सारी बात मन में आ जाते हैं और आपको भी याद आ गया होगा, गोधरा का वो कांड जहां पे साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दिया गया था उन लोगों को जो अयोध्या राम मंदिर से लौट रहे थे। बहरहाल बढ़ते हैं टीजर की तरफ। मनोज जोशी और रणवीर शौर्य के लीड रोल में बनी है फिल्म, जिसमें दोनों एडवोकेट के रोल में हैं। वहीं रणवीर शौर्य जहां एक डिफेंस लॉयर के तौर पर दिखते हैं, वहीं मनोज जोशी एक ऐसे लॉयर हैं जो सच सबको बताना चाहते हैं कि साबरमती एक्सप्रेस जो जला था वो एक्सीडेंट था या कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि टीजर में ये दिखाया गया है कि रणवीर शौर्य ये बोलते हैं कि साबरमती एक्सप्रेस का जलना एक कॉन्स्पिरेसी नहीं, एक्सीडेंट था। तो कमाल की फिल्म है, देखने वाली हो सकती है आप कि आखिर वो गोधरा कांड में हुआ क्या था, सच क्या था, सच में लोग किसी ने ट्रेन को जलाया था या खुद ही जल गया था। टीजर की शुरुआत मनोज जोशी के उस लाइन से होती है जहां वो कहते हैं कि गुजरात दंगों का सच जानना है तो उन कारसेवकों की मौत के बारे में जानना होगा कि उनका मौत एक कॉन्स्पिरेसी था या एक्सीडेंट। वहीं टीजर का अंत इस बात से होता है, एक नॉर्मल लोगों की बात से लगता है वो आवाज, कि वो ये कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, सालों से हम अपनी फैमिली को ऐसे ही खोते चले आ रहे हैं। बात में कितनी दर्द है और फिल्म कितनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी या जो भी कहा जा सके, ये फिल्म कितना समझने वाला हो सकता है और कितना जानने वाला हो सकता है, सच जानने वाला, ये फिल्म देखने के बाद ही हम जान पाएंगे। इंतजार है इस फिल्म के डेट का, 1 मार्च 2024। बिल्कुल आपको फिल्म को देखना चाहिए और समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।